बच्चों, आज हम कक्षा 11 रसायन में परमाणु संरचना पाठ के अंतर्गत टॉपिक क्वांटम संख्याओं को समझेंगे। हाइजेनबर्ग की तरंग समीकरण के हल से तीन महत्वपूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं, जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स की ऊर्जा, आकृति, विन्यास व आकार की विवेचनाएं करती हैं। इन संख्याओं को क्वांटम संख्याएं कहते हैं और ये क्वांटम संख्याएं हैं मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या एवं चुंबकीय क्वांटम संख्या। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्याख्या के लिए एक और क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है, जिसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इस प्रकार क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके द्वारा किसी परमाणु में विभिन्न परमाणु ऑर्बिटलों एवं इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या की जा सके एवं इनके मध्य विभेद बताए जा सके, इन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। सबसे पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, इसे हम स्मॉल n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और मुख्य क्वांटम संख्या का मान संख्या 1 से लेकर अनंत तक कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, जिसे हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, 1 से लेकर अनंत तक कोई भी पूर्णांक संख्या। ज्ञात तत्वों के परमाणु के आधार पर अभी तक प्राप्त उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या का मान 7 है। मुख्य क्वांटम संख्या हमें कुछ जानकारियां प्रदान करता है। नंबर 1, यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस मुख्य कक्ष में उपस्थित है। मुख्य कक्षों को हम के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिनके लिए एन के मान आते हैं के के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, ओ के लिए 5, पी के लिए 6 और क्यू के लिए 7। नंबर 2, मुख्य क्वांटम संख्या हमें हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की प्रकार के परमाणुओं के लिए nवे कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बताती है, जिसको प्राप्त करने के लिए ये फॉर्मूला है en = -1/4πε0·2·2·πr²me²z²/(n²)² × h²। यहाँ पर En nवे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, ε0 फ्री स्पेस है, r रेडियस, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, z नाभिकीय आवेश, n² में n जो है मुख्य क्वांटम संख्या और h प्लैंक कांस्टेंट है। नंबर 3, यह मुख्य कक्ष हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए त्रिज्या का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। इसे ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है Rn = 0.529 n² / z, ये एमस्ट्रॉन्ग में हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार हम इससे nवे कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। दूसरी क्वांटम संख्या आती है द्विगंशीय क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल एल के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे सहायक क्वांटम संख्या व कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। एन के मान एल के मानों पर निर्भर करते हैं और जिसके लिए एल के मान होते हैं 0 से n-1 के मध्य उपस्थित कोई भी पूर्णांक संख्या। तो इसे हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं 0 > l > n - 1। द्विगंशीय क्वांटम संख्या हमें कुछ जानकारियां प्रदान करती हैं, जो कि हैं, पहला, किसी मुख्य कक्ष में उपस्थित उपकक्षों की संख्या। प्राप्त जो हमें किसी मुख्य कक्ष है जो हमें मुख्य क्वांटम संख्या से प्राप्त हुए थे, उनमें क्योंकि वो विभाजित होते हैं उपकक्षों में और प्राप्त उपकोष हैं S, P, D और F, इनके नाम है
एस से सिंपल, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज और एफ फंडामेंटल, जिनके लिए एल के मान आते हैं एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। इसके अलावा यह त्रिभुज में उपकक्ष की आकृति का निर्धारण भी इसी क्वांटम संख्या के द्वारा किया जाता है, साथ ही यह परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान भी इसी क्वांटम संख्या के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसका फॉर्मूला है L इज इक्वल टू 1/H/2π अंडर रूट L इंटू L प्लस 1। Yes. बच्चों, कोणीय संवेग निकालने का जो फॉर्मूला है वो है H/2π अंडर रूट L इंटू L प्लस 1, जो इसके द्वारा निकाला जाता है। तीसरी क्वांटम संख्या आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम स्मॉल m या ml के द्वारा रेफरेंस करते हैं। यह इसके मान l के मानों पर निर्भर करते हैं और यह मान प्लस l व माइनस l शून्य सहित कोई पूर्णांक संख्या हो सकती है, या l के मान के लिए m के मान 2l प्लस 1 मान के बराबर होते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसी उपकक्ष में उपस्थित ऑर्बिटलों के बारे में हमें जानकारी देती है, और उपस्थित ऑर्बिटल्स के बारे में जो जानकारियां आती हैं वो इस प्रकार आती हैं। प्रथम, s उपकक्ष के लिए यदि l का मान 0 है तो m का मान भी 0 होगा। यदि l का मान 1 है, जो कि p उपकक्ष के लिए आता है, इसके लिए m के मान आएंगे -1, 0 और +1। 3, इसका अर्थ यह हुआ कि l उपकक्ष में 3 ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं, जो हैं px, py तथा pz। इस प्रकार यदि l बराबर 2, जो कि d उपकक्ष के लिए आता है, इसके लिए m के मान होंगे -2, -1, 0, +1 एवं +2। अर्थात यहां पर 5 ऑर्बिटल्स उपस्थित हैं, जो हैं डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एवं डी जेड स्क्वायर। एल बराबर 4, जो कि एफ के लिए आता है, इसके लिए जो ऑर्बिटल्स की क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या आती है, वो आती है -3, -2, -1, 0, +1, +2 एवं +3। इसलिए टोटल जो हमें मिल रही है वो 7 ऑर्बिटल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। चौथी क्वांटम संख्या आती है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम S के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इसके अलावा वो अपने अक्ष पर भी गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन की इस अक्षीय गति को ही चक्रण कहा जाता है, और चक्रण दो प्रकार का मिलता है हमें, एक या इसकी प्रायिकता दो प्रकार की होती है, दक्षिणावृत एवं वामावृत। दक्षिणावृत के लिए जो प्रायिकता आती है उसके लिए इसका मान आता है +1/2 और वामावृत के लिए आता है -1/2। अगर हम इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल के अंदर चक्रण के साथ दिखाना है तो इसके लिए हम ऊर्ध्व दिशा में तीर को दिखाते हैं, और वामावर्त के लिए अधो दिशा में हम तीर को दिखाते हैं। इस प्रकार क्वांटम संख्या हमें इलेक्ट्रॉन की सभी जानकारियां किसी परमाणु में प्रदान करती हैं।